अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। राम मंदिर का नक्शा पास हुआ है, सर्वसम्मति से नक्शा पास किया गया है। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया का नक्शा पास किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक चल रही थी, बैठक अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर का नक्शा इस बैठक में पास किया गया है। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया का नक्शा पास हुआ है। 13,000 कवर्ड एरिया में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म हो गई है और सर्वसम्मति से नक्शा पास कर दिया गया है। तो 13,000 कवर्ड एरिया में ये नक्शा बनेगा और सर्वसम्मति से नक्शा पास कर दिया गया है। राम मंदिर का नक्शा पास हुआ है, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक चल रही थी राम मंदिर के नक्शे को लेकर, जिसमें सर्वसम्मति से नक्शा पास किया गया है और अब राम मंदिर किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या उसका नक्शा होगा, कितना कवर्ड एरिया होगा और कितना ओपन एरिया होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है और नक्शा पास किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए, दो तरह का नक्शा प्रस्तुत किया। एक तो लेआउट था जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था और एक था मंदिर का नक्शा जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में और इनको नक्शा इनका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा।